जयपुर से अगली खबर है। झालाना लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र में भीषण आग की जानकारी। रूट नंबर 3 के कचरा निकट के पास ही भीषण आग लगी है। सूखे पेड़ों और झाड़ियों में आग की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम। दरअसल क्षेत्र में लेपर्ड, राणा सहित अन्य लेपर्ड्स वन्य जीवों का विचरण भी रहता है। ACF सुरेंद्र शर्मा, प्रभारी वनपाल कृष्ण कुमार मीणा व रेस्क्यू टीम वॉलेंटियर्स, नाका स्टाफ व रेस्क्यू टीम इस आग पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही है। झालाना लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र में भीषण आग की जानकारी है और तस्वीरें साफ तौर पर डराने वाली है, क्योंकि आग बढ़ती हुई रूट नंबर 3 के कचरा निकट के पास लगी थी, लेकिन फिर सूखे पेड़ और झाड़ियों में बढ़ती हुई आग आगे बढ़ रही है। ज्यादा इसलिए चिंतित है वन विभाग क्योंकि इसी क्षेत्र में राणा, जो बहुत फेमस लेपर्ड है, झालाना लेपर्ड सफारी का, उसका भी विचरण होता है, दूसरे लेपर्ड्स का भी विचरण होता है, उन तक आग ना पहुंचे पहले इसे कंट्रोल में किया जाए। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल जी, आग का स्टेटस क्या है? क्या आग बढ़ रही है अभी या फिर रोक लिया गया है? क्योंकि ज्यादा चिंता वन्यजीव प्रेमियों को है इस आग के लगने की जानकारी के बाद। झालाना लेपर्ड रिजर्व में आग लगी है। निश्चित तौर पर जयते, और आपकी बातों में भी आपकी भी चिंता झलक रही है क्योंकि आप भी वन्य जीवों को लेकर के लगातार अपडेट रहती हैं, और आपका उनके प्रति जो जो नजरिया है वो भी निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि कितना संवेदनशील ये मामला है। देखिए जयते, ये रूट नंबर 3 है झालाना लेपर्ड रिजर्व का, जिसमें कचरा एनिकट बोलते हैं उस जगह को, जो शूटिंग रेंज के पिछला हिस्सा है, वहां पर धोंक के पेड़ है। और चूंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, धोंक सूख चुका है, तो आपस में वहां या तो किसी भी अपरिहार्य कारण की वजह से वहां पर उसमें आग लगी। आग झाड़ियों में तेजी से फैली और लगातार धोंक के पेड़ों और वहां जो दूसरी झाड़ियां हैं, दूसरे पेड़ हैं, उनको उस आग ने कवर कर लिया देखते देखते, और बहुत भीषण हो गई थी आग। लेकिन राहत की बात यह है कि ACF सुरेंद्र शर्मा और नाका प्रभारी जो है वनपाल कृष्ण कुमार मीणा, वो पूरी टीम को वहां पर ले गए। अपनी जो रेस्क्यू टीम थी वहां पर, नाका स्टाफ वहां पर पहुंचा, उन्होंने परंपरागत साधनों से, जिसमें मिट्टी, जिसमें पानी, जिसमें गीला टाट और गीली जो झाड़ियां होती हैं, उनसे उसमें काफी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पा लिया है। यानी वहां किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस फ्रिक्वेंट तरीके से वहां पर टीम पहुंची, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बहुत सशक्त तरीके से की जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने आदेश दिए थे कि लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग रहे और फील्ड में गश्त जारी रहनी चाहिए, उसी का नतीजा था कि समय रहते सूचना मिल गई। चूंकि इस क्षेत्र में राणा जो फेमस लेपर्ड है, वो राणा के अलावा हम अगर बात करें आरती की बात करें, वहां पर जो दूसरे जो है फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा के बच्चों की बात करें, जलेबी की बात करें, तो ये कुछ ऐसे लेपर्ड्स हैं जिनका मूवमेंट उस तरफ बना रहता है। वहां कुछ हाइना भी हैं और दूसरे वन्य जीव भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जान पर बना थी। लेकिन देखते ही देखते वहां पर टीम पहुंची विभाग की, उसने बहुत तेजी से काम किया, परंपरागत साधनों से उस आग पर काबू पा लिया गया है। और अब उस क्षेत्र में चूंकि वहां धोंक का काफी पेड़ है और पुराना जो झाड़ियां भी है, उनको देख करके वहां मॉनिटरिंग और सशक्त कर दी गई है। टीम को कहा गया कि लगातार इस क्षेत्र में नजर रखें क्योंकि गर्मी है, गर्मी में आग लगने की घटनाएं होती रहती है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया और किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल निर्मल जी, अच्छी बात है। आप बने रहिए हमारे साथ।